अनिल उत्तर प्रदेश से। अनिल जल्दी से। सर हमारे को हार्ट अटैक है, दो बार तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ ना आपको? हाँ बिल्कुल, अगर आपको दो बार हार्ट अटैक हुआ है, देखिए डायबिटिक्स हैं, अस्थमेटिक्स हैं, हाइपरटेंशन है, या जिनको हार्ट में अटैक हो रखा है, स्टेंट पड़ रखे हैं, उनको तो वैक्सीन लगवानी बड़ी जरूरी है। ये वल्नरेबल ग्रुप में आप आते हैं, आप वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, आप रिस्क वाले ग्रुप में आते हैं, आपको वैक्सीन लगवानी बहुत आवश्यक है, तुरंत वैक्सीन लगवाइए। मुझे ताज्जुब है आपने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। नमित उत्तराखंड से। नमित सर मैं उत्तराखंड से नमित अग्रवाल बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। मेरा सवाल ये है कि जिस कोविड सेंटर में जो डॉक्टर लोग जो कोविड पेशेंट को देख रहे हैं और उन्होंने सिर्फ खाली मास्क पहन रखा है, ना पीपी किट पहन रखी है ना कुछ, क्या उनको इफेक्टिव करेगा कोरोना? देखिए दो चीजें हैं, इसीलिए हमारे देश ने सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीनेट किया है। आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई डॉक्टर या नर्स है जिसको दोनों डोज लग गए हो और दो डोज के बाद 3 हफ्ते का पीरियड भी हो गया हो। तो ये जो लोग हैं ये एक तो खुद भी प्रोटेक्टेड है और क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो ये आपको बीमारी भी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी इधर कोविड के इंजेक्शन लगते हैं और सौयों लोग रोज आते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम रख रखा है कि जो भी डॉक्टर या नर्स वैक्सीन देगी वो प्रॉपर शील्ड वगैरह पहन के देगी, और जब मरीज वेटिंग में बैठेगा, आधा घंटा आपको वेट भी करना है ना जाने से पहले इंजेक्शन, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग से बैठेगा, 2-2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर चेयर्स रख दी गई हैं, वो केवल वहीं बैठेंगे ताकि कोरोना की जो वैक्सीन लगवाने आए हैं प्रिवेंशन के लिए वो कोरोना लेकर ना जाए। दीपक पंजाब से। दीपक। हाँ जी सर। पूछिए जल्दी से। सर क्या कहते हैं ना, कल ना मैंने टेस्ट करवाने गया था, सारी टेस्ट करवाए हमने, मतलब कि कोई भी हमें अंदर से नुकसान नहीं दिखा, बस अंदर से ना थोड़ी सी कहने का मतलब कि बुखार लगी हुई थी कल, तो दवा लिया हमने, ठीक हो गया, बाकी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना हमें? देखिए आपका टेस्ट अगर नॉर्मल है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बुखार की दवाई लेने के बाद बुखार भी नहीं आया तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कोई दिक्कत होगी तो आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। अभिषेक आगरा से। हेलो अभिषेक पूछिए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये सवाल था कि मेरी बहन को सीरियोसिस है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकती है? बिल्कुल, जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, चाहे वो लिवर फेलियर के हों, चाहे वो किडनी फेलियर के हों, चाहे वो हाइपरटेंसिव हों, डायबिटिक्स हों, ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस हों, कैंसर के केसेस हों, इम्यूनो सप्रेसेंट जो दवाइयां ले रहे हैं उनके केसेस हों, इन सबको वैक्सीन लेनी जरूरी है। लेकिन इसमें राइडर यही है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें कि वो अगर कोई दवाई बंद करके वैक्सीन देना चाहते हैं या कुछ वेट करके देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी सिस्टर को सिरोसिस है तो वैक्सीन लगनी चाहिए। द्वारका प्रसाद फरीदाबाद से। द्वारका पूछिए आप प्लीज। हेलो द्वारका जी पूछिए जल्दी से। डॉक्टर साहब ये मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे कीमो लगता है एक्चुअली, तो एक डोज में लगवा चुका हूँ, अब दूसरी डोज लगवाने के लिए मुझे कीमो लगने के बाद कितने दिन का गैप चाहिए मुझे वैक्सीन लगाने के लिए? देखिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कीमोथेरेपी की दवाइयां होती है तरह तरह की होती है, जो ब्रेस्ट कैंसर की दवाई है वो अलग है, प्रोस्टेट कैंसर की अलग है, लंग कैंसर की अलग है, डिफरेंट डिफरेंट दवाइयां होती है। कीमोथेरेपी का इतना मोटा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जो कीमोथेरेपी की दवाइयां हैं, तो ये निर्भर करता है आपका डॉक्टर किस तरह की कीमोथेरेपी दे रहा है, वो हमारे इम्यून को सिस्टम को कितना सप्रेस कर रही है। तो इसमें बेटर रहेगा आप अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से पूछिए, वो आपको गैप करके आपको डेट बता देगा या टाइम बता देगा कि इस हफ्ते में जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो वो आपका जो कैंसर का डॉक्टर है जो आपको कीमोथेरेपी दे रहा है वो बेटर गाइड है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।